हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए सोच तो रहे, आपको देख तो रहे, लेकिन कुछ करने के कैसे हालात में नहीं कह सकते, बट करने की इच्छा तो है लेकिन कर नहीं रहे। लाइक कि कुछ एफर्ट डालने हैं, कुछ रिस्क तो है, बहुत चीज़ रिस्क है आपके रिलेशन में। बहुत सारी चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन उस चीज़ों को वो ना इतनी सीरियस लेवल पे नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मुझे ये इंसान ना सबसे पहले ना अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहा है, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, वो सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि आपसे जुड़ना बहुत बहुत रिस्की है। पॉसिबल है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, समाज, कुछ तो डर है, समाज के कोई इश्यूज हो सकते हैं, अगेन पॉसिबली मैरिड नॉन मैरिड सिचुएशन हो सकती है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इश्यूज बहुत बड़ा हो सकता है। आपके ऊपर नज़र एकदम बहुत ज़्यादा है कि आपकी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है या आप दूर से कहीं देख रहे हो तो आपको ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं। पॉसिबल है कि ये आपके कोई पिक्स फोटोज़ अगर उनके पास है तो वो ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना ये इंसान का ना बिहेवियर है वो हमेशा से एक पैटर्न में चलता है। जब ये आपके साथ होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में होते हैं ना कि इनके जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। मतलब आप खुद को इनफैक्ट इनसे कम समझ लेते हो, इतनी आप में एनर्जी हो, मतलब एक फीलिंग ये इतनी खूबसूरत देते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग का मान लीजिए कि आप लोग मिले हो तो इतनी खूबसूरत फीलिंग है, इतनी खूबसूरत ट्रीटमेंट है और सब कुछ इतना खास, लेकिन जैसे ही आप लोग जाते हो, एक दूसरे से अलग हो जाते हो, अपने अपने घर जा रहे हो, अपने अपने सिचुएशन में जा रहे हो, ये इंसान इतना बदल जाता है जैसे कोई कुछ था ही नहीं, जैसे कोई 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 है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे इस इंसान ने रात से आपसे बात कर ली हो और सुबह जिस जिस तरह से इनका बिहेवियर होता होगा कि जैसे कुछ हो नहीं सकता, मतलब जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कि आपको पहचानते ही नहीं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर रातों रात गायब हुआ है ऐसी भी एनर्जी है। बट रिसेंटली कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है ना कि इनकी एनर्जी में ना वो जो एक टेम्पररी शिफ्ट जो आता था, या फिर ऐसा नहीं कि ये इंसान की इमोशंस आपके लिए गलत है या झूठी है, नहीं, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने ना आपको उतना सीरियसली नहीं लिया, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे सीरियसली नहीं लिया है। इसका रीज़न दोनों भी है, आप भी हो और वो भी है। आप इसलिए है क्योंकि आपने उस बात को कभी इतना जोर नहीं दिया कि आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए, आपके लिए कोई डिसीजन होना चाहिए। आप इनका इनके बिना रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा डिस्परेशन या ज़्यादा इंतज़ार, ज़्यादा ही प्यार, ये सब ज़्यादातर आपकी तरफ से दिखा गया है। ये पहले ऐसे ऐसे था और आप धीरे धीरे से स्ट्रांग हो रहे हो।
धीरे धीरे से, हालांकि अभी भी अब मैं उतनी ही बेचैनी हो जाती है जितना पहले थी, लेकिन फिर भी इस रिलेशन में जो प्यार नाम का चीज़ है वो आपकी तरफ ज़्यादा है, आप ही ज़्यादा प्यार करते हो ऐसा फील हो रहा है। सच कहूँ तो ये इंसान, ये प्यार आपको बदलने के लिए आया है, क्योंकि जिस तरह से इंसान इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको आपका साथ नहीं देता, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो बेसिकली आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा, तो एक वक्त था कि आप इस इंसान के बगैर कुछ नहीं है ऐसा सोच रहे थे या सोचते हैं, ये जो आपकी सोच है ना वो तोड़ने के लिए ये रिश्ता जैसे आपको मिला हो। ये आपके साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और ये वो साथ वो पल चाहते हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना है। पॉसिबली इनको सोशल फियर है, इस सोशल फियर है लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ खुद की ही फिक्र है, उनको आपकी भी फिक्र है। ये इंसान अपने आप को संभालने में या कंट्रोल करने में माहिर है, ऐसा लग रहा है, माहिर है संभालने से ज़्यादा कंट्रोल करने में। कंट्रोल करने में माहिर है, इतनी इमोशंस इनकी स्ट्रांग है ना आपके लिए, लेकिन ये इंसान अपनी सोच पे या अपनी हालातों पे डटा हुआ है। एंड पॉसिबल ये है कि थर्ड पार्टी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी इश्यूज। अभी रिसेंट जो एनर्जी है ना उसमें कैसा हो रहा है कि ये पहले की तरह आपको मैनिपुलेट करना, आपसे झूठ बोलना, आपको कोई झूठा उम्मीद देना, ये चीज़ों में ना माहिर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो चीज़ें ना अभी वर्क नहीं कर रही हैं। और इसका रीज़न आपका स्ट्रेंथ है, आप जैसे जैसे अपनी ऑरा में आ रहे हो ना, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, तो वो चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पा रही उनसे। अगेन इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा इमोशनल वैक्यूम, और आपके लिए तड़प बहुत है, लेकिन ये इंसान बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। पॉसिबल है कि जैसे एडिक्शन के थ्रू हो सकते हैं, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना सब कुछ, लाइक नो काम में हो या लोगों में हो, कोई से जैसे दोस्तों के साथ पार्टीज में हो या कहीं से भी, पॉसिबल है अगेन एडिक्शन। क्योंकि ये ऐसा है ना कि बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है कि आपकी तरफ आए, वही फीलिंग, वही अपनापन, वही प्यार कंसर्न जो आपसे मिलता है उसे पाए, लेकिन इनको ना जो सोसाइटी का डर है या फिर जो जो बिगड़ जाएगा ना, जो बिगड़ जाएगा या कुछ गलत हो सकता है उसका डर इतना है कि वो चुप रहना या कंट्रोल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रिफर करते हैं, पसंद से ज़्यादा प्रिफर करते हैं। कंट्रोल इनका बहुत ज़्यादा है, अगेन बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा, और इनिशियल इनके वाई हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, वी हो सकता है, एम हो सकता है। बटरफ्लाइज 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 काफ़ी ज़्यादा है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बार बार वही है, और एंजल्स एंजल्स एक्चुअली इस रिश्ते के ऊपर नज़र हुए हैं। एक बात तो है कि ये इंसान
और आपका रिश्ता कुछ खास तो है। मतलब प्यार जो है ना वो दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत है और बहुत जेन्युइन है, लेकिन जो दुनियादारी में ढलने का जो चीज़ है या इनकी जो कार्मिक इवेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि इनको जो कर्मा जो पे करना है वो बहुत ज़्यादा है, भले वो इंसान से हो सिचुएशन से, बट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इनका बिहेवियर और ये पैटर्न है, तो सुधार तो इनमें भी आना चाहिए, कुछ चीज़ें इनको भी समझनी चाहिए। इसके लिए सारी चीज़ें हो पा रही है। नंबर में मुझे यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, 333 एंजल नंबर मुझे अगेन फील हो रहा है कि आपको बार बार दिख रहा है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। एट ऑफ कप्स बॉटम डेक की एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र लगाए बैठा है, लेकिन ना मतलब जिस तरह से आपके ऊपर नज़र है सोशल मीडिया के थ्रू वो बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग है, आपके हर एक्टिविटीज़ पे नज़र है, अगर नहीं लग रहा है फिर भी है। और ये इंसान जिस तरह से आपकी यादों में खोया है ना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कि जिस तरह से आपके पिक देखते हैं वगैरह, क्योंकि भले इंसान को हिम्मत नहीं हो या मतलब ये करने की ताकत नहीं हो कि सामने आए कुछ बात करे कुछ डिसीजन ले, लेकिन जो दिल में है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन एनर्जी में है ना कि जैसे जिस तरह से वो आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली सही, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको यहाँ पे लिटरली आपको शेक कर देता है, लेकिन ये आपको शटर कर देता है कि यहाँ पे आप समझ नहीं पाते कि आप इतना शांत है, आप अपने कामों में बिजी हो और इतना आपको ये इंसान क्यों खींच रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, बट दिल से इच्छा अलग होती है, इंसान की सोच और जो प्रैक्टिकल डिसीजन है वो अलग होते हैं। तो फिलहाल इनकी सिचुएशन स्टक नज़र आ रही है कि समझ नहीं पा रहे कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, क्योंकि इंसान ना अपनी सोल हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा चाहता है कि जैसे अपने अपनी सोल हैप्पीनेस, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस को चाहे, बट वो हो नहीं पा रहा है। दिल से तो चाहता है कि चलो ये हो जाए वो हो जाए, बट जो करना चाहिए उसके लिए या वो जो करने की हिम्मत है वो नहीं हो पा रही है। इन्हें पता है कि इस चीज़ों से निकलना तो है, बट कैसे निकलना है, क्या क्या उसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि एक इंसान का इस इंसान में एक नेचुरली डर होता है ना कि आगे ये चीज़ें बिगड़ गई तो आगे मतलब वो कुछ किधर के भी नहीं रहेंगे, ये जो डर है ना उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। हालांकि आपके पर विश्वास है प्यार के मामले में, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह से आपकी हमेशा एक इमोशनल एंग्जाइटी दिखी है तो उनको अजीब सा डर लगता है कि क्या मतलब आप भी इमोशनली कमज़ोर है तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा, ये वाली सिचुएशन ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।